आखिर राजपूत समाज से मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है? राजपूत समाज हमेशा से ही गलती करता आ रहा है। आपको लगता है कि राजपूत समाज को बीजेपी इग्नोर करके चल रही है? राजपूत समाज में एकता नहीं है। राजपूत वर्ग अपने ही विनाश का कारण बन रहे हैं। इस बार दलित चेहरा को चमकाया गया है। सम्मान इस कदर जीतनराम मांझी का रखा गया है कि चिराग पासवान और ललन सिंह से पहले अगर किसी बिहार से किसी व्यक्ति ने सबसे पहला शपथ लिया है तो वो जीतनराम मांझी थे। राजपूत समाज के एक भी नेता आपको नहीं दिखे? लवली आनंद को भी मिल सकती है। लवली आनंद ने तिवर से जिस तरीके से बाजी मारी है उनको जगह मिल सकती है। राजपूत आज खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए, तो जाहिर सी बात है कि आला कमान नाराज होंगे और उनको मंडल तो क्या कहीं जगह नहीं मिलेगी। कि पहली बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व बिहार से नहीं दिया? आपस में फूट, और इसका फायदा किसको मिला? महागठबंधन को, माने को मिला। माने की जीत हुई, कारकाट का सीट हार गए। तो अब कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अब एकता दिखानी होगी। और राजीव प्रताप रूड़ी ने रोहिणी आचार्य को हराया, लालू यादव की बेटी को। लवली आनंद जो खुद आनंद मोहन की पत्नी है वो भी शिवहर से चुनाव जीती, क्योंकि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। मल्लाह जाति से जीतने वाले मुजफ्फरपुर से उन्हें जगह दी गई है, पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद आप यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय, दो दलित चेहरा, खुद जीतनराम मांझी या चिराग पासवान, दो दलित चेहरा। नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं, बिहार से कुल 8 मंत्री बने हैं और 4 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा पाया है उसमें चिराग पासवान है, ललन सिंह है, गिरिराज सिंह है और जीतनराम मांझी हैं। उसके अलावा 4 राज्य मंत्री बने हैं। नित्यानंद राय को फिर से एक बार मौका दिया गया है। सतीश दुबे नया नाम है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उसके अलावा मुकेश सहनी के काट के लिए जो पहली बार मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें से राजपूत समाज के एक भी नेता आपको नहीं दिखे। रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री बनाया गया है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। लेकिन आखिर राजपूत समाज से मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है, ये एक अहम चर्चा का विषय है। और ये देखिए, ये चर्चाएं होने लगी हैं बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में, मीडिया घरानों में ये चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही हैं कि आखिर राजपूतों को अंदाज क्यों किया गया और पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, ये बात ठीक है कि मोदी के बाद राजपूत समाज से आने वाले राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है, और देश में अगर कहा जाए एनडीए के अंदर तो राजपूतों के सबसे बड़े नेता और चेहरे राजनाथ सिंह ही हैं, और इस कारण से ही इस बार उन्होंने फिर से राधा मोहन सिंह को टिकट दिलवाया था, सुशील सिंह को टिकट दिलवाया था। लेकिन आरके सिंह जैसे दिग्गज चुनाव हार जाते हैं, शाहबाद में राजपूत समाज की नाराजगी झेलनी पड़ती है बीजेपी को, तो क्या इस कारण से बीजेपी ने राजपूत समाज से मंत्री नहीं बनाया? क्योंकि नाराजगी तो भूमियार समाज में भी थी, लेकिन भूमियार से दो चेहरे, एक जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और एक बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह बने हैं। उसके अलावा दो दलित, एक यादव, एक ब्राह्मण, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे हम अपनी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ। क्या वो भी मानती हैं कि राजपूतों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है या राजपूत समाज खुद अपनी करनी में फंस गया है? जिस तरह से शाहबाद का इलाका में ये कहा जा रहा है कि शाहबाद इलाके में राजपूत समाज ने बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट नहीं दिया, तो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, स्वागत है, और एक अहम सवाल है आपसे, क्योंकि देखिए ये सवाल मीडिया घरानों में और बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में गूंज रहा है कि पहली बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व बिहार से नहीं दिया। हालांकि राजनाथ सिंह आज भी राजपूत के सबसे बड़े चेहरा मोदी के बाद शपथ लेते हैं, लेकिन बात यहां पे बिहार की हो रही है, क्योंकि
जहां पर आरके सिंह हारे, जहां पर सुशील सिंह हारे, वहां पर राधा मोहन सिंह जीते भी, राजीव प्रताप रूड़ी ने रोहिणी आचार्य को हराया, लालू यादव की बेटी को, लवली आनंद जो खुद आनंद मोहन की पत्नी है वो भी शिवहर से चुनाव जीती, तो क्या ये जो शाहबाद इलाके में हार हुई है इसका खामियाजा उठाना पड़ा है, या आपको लगता है कि राजपूत समाज को बीजेपी इग्नोर करके चल रही है? पहले बता दूं कि राजपूत समाज खुद ही जिम्मेवार है, खुद जिम्मेवार है। शाहबाद आप देखिए कि अगर राजपूत समाज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को इग्नोर किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मंत्रिमंडल में उनकी जगह तक नहीं है। ऐसा नहीं है, राजपूत में सबसे बड़ा चेहरा लवली आनंद के जो पति हैं आनंद मोहन सिंह हैं। बिल्कुल, बिहार से, और वो उन्होंने शिवहर से जीत हासिल की। हो सकता है आने वाले समय में मंत्री बना दिया जाए, लेकिन देखिए आरा, आरा की मैं बात करूं, सबसे लोकप्रियता लोकप्रिय नेता में से एक आर के सिंह है, विकास पुरुष कहे जाते हैं, फिर भी हार गए जी। मंत्री मंडल में उनको जगह दी गई थी और उस जगह का देखिए उन्होंने लाभ भी उठाया और आरा आपको विकास की ओर ले गए। और आज जो आप, अगर आरा की मैं बात करूं, आरा जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं आरा के राजपूत भी जिम्मेवार हैं अपने साख को डुबाने के लिए। जाहिर सी बात है कि देखिए, एक तरफ आप ललन सिंह की बात करें तो उन्होंने भूमियार समाज का भूमियार समाज से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, गद्दावर नेता कहलाए जाते हैं। और भूमियार समाज से भी एक और गद्दावर नेता है जिनका नाम गिरिराज सिंह है। हाँ, दादा के रूप में सब उन्हें प्यार से दादा कहते हैं। बिल्कुल दादा कहते हैं, अब समझने की जरूरत है। उन्होंने भूमियार समाज की नींव रखी है और नींव के तौर पर वो एक ऐसे उभरते नेता है जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और देखिए इनकी एकजुटता ही दिखाती है जो आज ये मंत्रिमंडल में है, वहाँ के लोगों यानी कि भूमियार समाज के लोगों में एकता दिखती है। और यहाँ कहीं ना कहीं राजपूत समाज में एकता नहीं है, खुन्नस थी कि भाई ये दो बार मंत्री बन जाते हैं, ये दो बार सांसद बन जाते हैं, तीसरी बार नहीं बनना चाहिए। तो ये जो जलन की भावना है, ये जो ईर्ष्या की भावना, ये राजपूत समाज में दिख रहा था। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज को बीजेपी ने इग्नोर किया, क्योंकि बबीता जी आपको याद होगा जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो चर्चा थी कि बड़े बड़े राजपूत नेताओं का टिकट कट सकता है, राधा मोहन सिंह का टिकट कट सकता है, सुशील सिंह का टिकट कट सकता है, राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है, लेकिन राजनाथ सिंह जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राजपूतों के एनडीए में, उन्होंने बिहार में राजपूत नेताओं को, तमाम राजपूत नेताओं को टिकट दिलवाया, और उसके बाद औरंगाबाद से सुशील सिंह का हार जाना, या आर के सिंह, खासकर आर के सिंह की बात करें, उनका हार जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज तो गया होगा। देखिए आला कमान ने देखा, आला कमान ने को अब लग गई कि राजपूत जो है, खास करके शाहबाद की मैं बात करूं तो वहां के राजपूत के अंदर वो समानता नहीं दिखी, वहां टूट फूट की राजनीति दिखी, वहां एक दूसरे के प्रति हराने और जीतने की राजनीति दिखी। और कहूं मैं, कहीं ना कहीं राजपूत आज खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किए। बीजेपी राजपूत वोटर को चमकाना चाहती थी, राजपूत वोटर को वो जगह देना चाहती थी, जिसका परिणाम शाहबाद के रूप में अगर उनको इस तरीके से मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आला कमान के अंदर वो नाराजगी दिखेगी कि इतना करने के बाद भी जिस तरीके से आर के सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी और विकास हुआ आरा का, उस तरीके से अगर राजपूत समाज में ही राजपूत वर्ग अपने ही विनाश का कारण बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आला कमान नाराज होंगे और उनको मंडल तो क्या कहीं जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखिए राजनाथ सिंह राजपूत समाज से आते हैं और गद्दावर नेता है, उनको क्यों जगह दी गई? उन्होंने कहीं ना कहीं अपने समाज को जोड़ के रखा है। और ये देखिए राजपूत समाज हमेशा से ही गलती करता आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आखिर में शाहबाद क्यों साफ हो गई।
हाँ बिल्कुल, आरा हारे, बक्सर हारे, कई सीटें हारे। आरा में कोई त्रुटि नहीं थी, आरा में बहुत अच्छे नेता वहाँ लीड कर रहे थे। आरा में कोई दूर दूर तक नहीं सोच रहा था कि आर के सिंह हार जाएंगे। उसका वजह क्या है? आपस में फूट। और इसका फायदा किसको मिला? महागठबंधन को, माने को मिला। माने की जीत हुई। लाल सलाम जिसको कहा जाता है, जिसके जमीन पे एक बार उन्होंने झंडा लगा दिया तो भाई वो जमीन उसका हो गया। ऐसे लोगों को मौका किसने दिया? तो ऑफकोर्स राजपूत समाज। आप देखिए देखिए कि कितने वोट की संख्या मिली है और कितने वोट से आर के सिंह हारे हैं। अगर शायद आर के सिंह जीत जाते तो एक मंत्री बिहार में राजपूत का जरूर। बिल्कुल बिल्कुल तय था, बिल्कुल तय था। क्योंकि देखिए क्योंकि सभी समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। मल्लाह जाति से जीतने वाले मुजफ्फरपुर से उन्हें जगह दी गई है, पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद आप यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय, दो दलित चेहरा, खुद जीतन राम मांझी या चिराग पासवान, दो दलित चेहरा, दो भूमिया। देखिए इस बार मैं आपको बोलूंगी कि इस बार दलित चेहरा को चमकाया गया है क्योंकि उनमें यूनिटी है, एकता है। आज आप देखिए जिस तरीके से जीतन राम मांझी को सम्मान दिया गया, मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई। सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई बबीता जी, आपको आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और ललन सिंह से पहले शपथ लिया है। तो सम्मान इस कदर जीतन राम मांझी का रखा गया है कि चिराग पासवान और ललन सिंह से पहले अगर किसी बिहार से किसी व्यक्ति ने सबसे पहला शपथ लिया है तो वो जीतन राम मांझी थे। और वो भी कहे कि महादलित में आते हैं, महादलित वर्ग से आते हैं जी। तो आप देखिए कि जीतन राम मांझी के महादलितों में एकता है। उसका फल उनको मिला। और रही बात चिराग पासवान भी अपने समाज के में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई नीचे पासवान ऊपर आसवान, एक स्लोगन है। हाँ बिल्कुल, एक स्लोगन है और जिसका भरपूर फायदा कमा जो आप। लेकिन बबीता जी अगर बीजेपी ये सोच रही तो इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि नहीं, आप देखिए विधानसभा की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि राजपूत आपस में ही टूटे। आप देखिए प्राचीन काल से देख लीजिए कि जिस दिन राजपूत टूटते हैं उनका किला ध्वस्त हो जाता तो है। ऐसे तो नाराजगी होगी ना, वो तो ठीक है कि क्या खामियाजा उठाना पड़ा, क्या समीकरण बैठा, लेकिन एक नाराजगी तो होगी। जैसे भूमिया, मुझे लगता है कि अभी मंत्री मंडल में बहुत सारे अभी मंत्री को चुनना भी बाकी है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में बिहार से कोई राजपूत को जगह मिल जाए मंत्रिमंडल में, चाहे वो राजीव प्रताप रूड़ी हो या फिर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूड़ी ने दमखम दिखाया और रोहिणी आचार्य को कहीं ना कहीं उनको हरा कर वो अगर बीजेपी का हिस्सा है तो बीजेपी में वो है और उनको जगह मिल सकती है। और लवली आनंद को भी मिल सकती है। लवली आनंद ने सिवर से जिस तरीके से बाजी मारी है उनको जगह मिल सकती है। लेकिन अब राजपूतों को भी समझना होगा कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर देश में अपनी जगह बनानी है और राजपूत की संख्या दिखानी है तो आपको राजपूत को इकट्ठा करना होगा। राजपूत वो, मैं तो बार बार कहती हूँ कि एक अभिनेता नेता अच्छा नहीं हो सकता। आपका नेता कौन? आपका नेता जमीनी नेता होना चाहिए जो आपकी बातों को सदन में बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर रहा हो, कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आप नेता जमीनी चुनिए, अभिनेता को चुनिएगा तो वो जोकर बन के रह जाएंगे। तो नेता राजपूत का कौन, ये अब तय करना होगा राजपूतों को। राजपूत का नेता कहीं ना कहीं आनंद मोहन सिंह के बाद कौन, ये तय करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब राजपूतों में, शाहबाद की मैं बात करती हूँ, शाहबाद में अब राजपूतों को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से महागठबंधन ने एक चक्रव्यूह की रचना की और वहां से माले को सीट प्राप्त हो जाती है, काराकाट से भी माले को सीट प्राप्त हो गई, औरंगाबाद हार गए, औरंगाबाद बीजेपी हार गई।
बिल्कुल आप देखिए कि माले को किस जगह फायदा हुआ, माले का अपना वोटर MY का समीकरण, जिस तरीके से इंडिया ने एक चक्रव्यूह रची, उस चक्रव्यूह में राजपूत खुद फंसते हुए चले गए, आरा का सीट हार गए। नहीं चलिए ठीक है, बक्सर की मैं बात करूं, बक्सर का सीट हार गए, आप कहते काराकाट का सीट हार गए, तो अब कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अब एकता दिखानी होगी। और उनका मुझे लगता है जहां तक कि बीजेपी ही है जो राजपूत समाज को एक सम्मान, एक पद प्रतिष्ठा देती है, तो अब उनको अब ये भरोसा दिलाना होगा बीजेपी को कि हम यहाँ से गलती नहीं करें। अब मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से राजपूत की संख्या सबसे ज्यादा है, बिहार में भी देख लीजिए कि लवली आनंद, राजीव प्रताप रूढ़ी, राधा मोहन सिंह, उसके बाद आर के सिंह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज न कल मुझे लगता है कि वो एक अंदर से अगर आर के सिंह को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जमीनी नेता है, आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। देखिए हम चर्चा कर रहे थे आखिर राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला और इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या कारण रहा और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए बबीता मिश्रा जी का भी मानना है और मेरा भी मानना है कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, जब विस्तार होगा और खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, तो हो सकता है, ये उम्मीद है। देखिए राधा मोहन सिंह का नाम तो हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उम्र के कारण शायद टिकट भी कटने वाला था, तो अब इस उम्र में शायद ही उन्हें मंत्री बनाया जाए। लेकिन हो सकता है वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो या लवली आनंद हो जो आनंद मोहन सिंह की पत्नी हैं, या हो सकता है हार के बावजूद आर के सिंह को भी एक मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी संभवतः आपको पता होना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 25 में है और अभी भी मैं बात करूं MLC की जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं एक सीट बबलू सिंह है उनको मिली है, वो भी राजपूत समाज से आते हैं और वो मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो NDA है, जो बीजेपी है, वो राजपूत समाज को हमेशा से लेके चलती है। इस बार राजपूत समाज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को दरकिनार किया, जिसका कहीं ना कहीं गुस्सा आपको इस तरीके से देखने को मिला। अब भी सुधरने की बारी है राजपूत समाज को कि जो शाहबाद का क्षेत्र है उसको हम कैसे पकड़े और आने वाले विधानसभा राजपूत समाज अपना दमखम कैसे दिखाए। नहीं ठीक है, वही उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी बीजेपी की, ये देखना होगा। और उम्मीद यही है कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, मोदी सरकार का विस्तार दोबारा होगा, तो उसमें बिहार से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। बाकी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए, राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।